और ये जो सॉफ्टवेयर गो टू मीटिंग आप यूज कर रहे हो हमारी इस डेमो क्लासेस के लिए, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर गो टू मीटिंग सिट्रिक्स कंपनी का है, बहुत ही सिक्योर सॉफ्टवेयर है और इसकी मदद से आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और आपको भी मैं सुन पा रहा हूँ। और विनोद जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि आपके पास हेडफोन नहीं है, आप सेलफोन के लीड से काम कर रहे हैं, पर इंद्रदीप जी मैं आपको सुन रहा हूँ। तो अगर मान ठीक लीजिए है कि इन ठीक। फ्यूचर में कभी आपके विनोद जी की तरह आपके पास हेडफोन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अपनी क्वेश्चन चैटिंग के रूप से भी दे सकते हैं, इसमें चैट की फैसिलिटी है, चैट से भी दे सकते हो, या फिर सबसे बेहतर रहेगा कि कभी वॉइस की प्रॉब्लम हुई तो आप सेलफोन से ज्वाइन कर लो, तो आप ये क्लासेस सेलफोन से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड सेलफोन है तो आप सेलफोन से भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इसके लिए आपको करना क्या है, गो टू मीटिंग का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ये जो गो टू मीटिंग देख रहे हो इसका ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से करना है। और हर दिन ठीक है आप जब भी आप क्लास लेंगे, हर दिन की क्लास की जो लिंक होगा वो अलग अलग होगा। बेसिकली जब मैं लिंक भेजता हूँ उस लिंक के लास्ट में एक 9 डिजिट का आईडी होता है, वो मेन होता है, तो हर क्लास में वो आईडी चेंज होती है, वो आपको आईडी लेनी है होती है। ये क्लास की सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि कोई अनदर पर्सन, कुछ ऐसे अनवांटेड पर्सन हमारी क्लास में घुस के डिस्टर्बेंस ना करे, इसके लिए ये सिक्योरिटी होती है कि एक क्लास एक आईडी एक ही क्लास के लिए वैलिड होता है। ठीक ओके है, तो ये सॉफ्टवेयर की बात रही कि हाँ इस तरीके से आप ट्रेनिंग लोगे अपने सेलफोन से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, बस आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेट की फैसिलिटी जितना जितना इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक होगा क्लास की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम ठीक इंडिया में रहती है, तो इसीलिए हर सेशन को है मैं रिकॉर्ड करता हूं और इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम किसी किसने किसी माध्यम से यूट्यूब के जरिए या फिर मैं पोर्टल के जरिए या कोई भी और शेयरिंग साइट के जरिए हम ये रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं, ताकि आपने हमारी क्लास में जो डिस्कस किया है वो चीजें आप दोबारा से रिपीट कर सके। क्योंकि मैं 1 घंटे में जितनी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसका 10 या 15% आपके मेमोरी में स्टोर हो पाएगा, मतलब कि आपके दिमाग की मेमोरी में स्टोर हो पाएगा। 85 to 90% चीजें आप भूल जाओगे, ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। हम लोग ही कॉलेज लाइफ में क्लासेस लेते थे और क्लास लेक्चर रूम से जैसे बाहर निकलते थे कुछ टॉपिक्स याद होती थी और बाकी टॉपिक्स भूल जाते थे। राइट इंद्रदीप जी, राइट सही कह रहे हो। तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी यहां पर रखते हैं ताकि आप वो जो 90 और 85% जो चीजें भूल गए हो, दिमाग से निकल गई है, उसको आप रिपीट करके वापस से रिकवर कर सको। या फिर मानो चलो आप ब्रिलियंट बॉय है, आप 100% आपको कैच कर लेते हो, लेकिन आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर मतलब कि कुछ साल बाद कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग से निकल गई, आप कुछ चीजें भूल गए या टच से बाहर हो गए, तो उस समय रिकॉर्डिंग आपको काफी हेल्प करेगी। लेकिन साथ में हम आपको रीज्वाइनिंग भी देते हैं, फ्री रीज्वाइनिंग। अब ये लाइफ टाइम के लिए है या कुछ टाइम के लिए, मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक मैं रीज्वाइनिंग फ्री दूंगा। मैं क्लास लेना मैंने बंद कर दिया तो मैं तब तक की बात नहीं कर रहा, लेकिन रीज्वाइनिंग फ्री मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको लगा कि आप दोबारा से मेरे साथ सीखना चाहते हो ये सारी चीजें, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जिस कोर्स के लिए आपने एनरोल किया है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एनरोलमेंट। ठीक ठीक है, है तो रीज्वाइनिंग हमारा फ्री है। ठीक है अब बात करते हैं कोर्स के ऊपर कि हम इस पूरे कोर्स में हम आपको क्या सिखाएंगे और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, एक्सेल को सिखाने वाले मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, और हो सकता है मुझसे अच्छे लोग भी है, मुझसे ब्रिलियंट भी है, लेकिन मेरा एक्सेल सिखाने का नजरिया कुछ और है। आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मैं किस तरीके से सिखाता हूं। बेसिकली मैं जब खुद लर्नर था तो मुझे जो चीज सीखनी थी वो चीज नहीं मिलती थी,
मुझे सीखनी क्या थी, मुझे अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीखना था। वो लोग एक्सेल के अकॉर्डिंग सिखाते थे, लेकिन मैं सिखाता हूं अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर हमें ऑफिस में काम करने चले तो सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत कहां पड़ती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आती है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे उसको रिजॉल्व करें। तो आपको जो एक्सेल पढ़ाऊंगा ठीक इसी नजरिए से मैं पढ़ाऊंगा कि अगर हम कुछ काम ऐसे है जो कि हमें बार बार करनी पड़ती है, उसका क्या तरीका निकल सकता है, क्या छोटा तरीका निकल सकता है, शॉर्टकट क्या हो सकता है, इन चीजों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट उसको हम लेवल कहते हैं, लेवल वन। लेवल वन इसको आप बेसिक नहीं समझिए, इसको मैंने नाम दिया हुआ है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। इस कोर्स में मैं सिखाता हूं कि जितने भी मेनू बार है और उसके अंदर जो फीचर्स है वो हर फीचर्स की बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट और ट्रिक्स इस पे हम बताएंगे। मोर देन 200 फॉर्मूला एंड उस फॉर्मूले की नेस्टिंग, उस फॉर्मूले की ट्रिक्स, रिपोर्ट ऑटोमेशन, डायनेमिक चार्ट, डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट में क्या यूटिलाइजेशन है, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब कि लेवल वन में आप एक्सेल के जो इनबिल्ट फंक्शंस है और माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया हुआ है उन सबको आप सीख जाओगे, सबके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब कि लेवल वन इज द कंप्लीट एक्सेल जिसमें आपको इनबिल्ट एक्सेल कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के इनबिल्ट फीचर्स जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इसमें जो चीजें दी गई है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब लेवल टू, अब बोलोगे सर जब मैं लेवल वन में एक्सेल की सारी चीजें कवर कर दिया तो फिर लेवल टू किस चीज के लिए? देखिए कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे मेरे पास कुछ ऐसा काम आता है जिसके लिए एक्सेल में कुछ है ही नहीं, यह है तो काफी लंबी प्रोसेस से है। तो इसमें हम आपको सिखाते हैं VBA माइक्रोस प्रोग्रामिंग। इसकी मदद से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग नया फॉर्मूला, नया फीचर्स, नया कमांड क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। मतलब कि एक्सेल में कुछ नए फीचर को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, खुद से बना के कस्टमाइज कर सकते हो VBA माइक्रो प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बना रखा है कि अभी आपको मेरी मीटिंग आईडी मेल पे आई होगी, तो क्या है कि मुझे दिन भर में 18 बैचेस मेरे चलते हैं और 18 बैचेस को मुझे 18 मेल करने पड़ते। तो अगर मैं पहले क्या करता था कि पहले जीमेल लॉगिन करता था, कंपोज करता था, मेरा ये डालता था, लिंक डालता था, सब्जेक्ट डालता था और पेस्ट करता था। अभी क्या हुआ कि जस्ट मेल आईडी यहाँ पे डली हुई है, इसके सामने मैंने अपना सब्जेक्ट डाला, इसको सिलेक्ट किया और मैंने एक माइक्रो बना रखा है, एक शॉर्टकट बना रखा है कंट्रोल एम, हमने प्रेस किया या फिर रन किया, ये अपने आप बैकएंड में जीमेल को लॉगिन करता है, कंपोज करता है, मेला ही डालता है, सब्जेक्ट डालता है, ना लिंक डालता है और आपको सेंड कर देता है। इसे दो फायदा हुआ, एक तो हुआ 100% एक्यूरेसी कि जितना मेल मैंने आईडी मैंने सिलेक्ट किया है उतना पे जाना ही जाना है, दूसरा जल्दी काम हो जाता है। तो ये VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग से बना हुआ है, ये एक्सेल का फीचर नहीं है, हमने खुद डेवलप किया है। तो ऐसी चीजें आप डेवलप करोगे लेवल टू में। अब लेवल थ्री जो है हमारा, लेवल थ्री को हम अदर्स कहते हैं या मिसलेनियस भी कह सकते हैं। देखिए मैं पिछले करीब 2007 से मैं पढ़ा रहा हूं और आई थिंक 9 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो 7 साल मैंने सिर्फ एक्सेल और VBA ही पढ़ाया था। लेकिन पिछले 2 सालों से हमारे स्टूडेंट ने काफी जिद किया कि सर एक्सेस की भी ट्रेनिंग दे दीजिए, क्योंकि एक्सेस हमें इंटरव्यू में पूछ देते हैं, कुछ बच्चे स्किल के बारे में बोलते थे, स्किल पूछ देते थे। तो इस अदर्स में मैं आपको ओवरव्यू देता हूं एक्सेस के ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर।
एक्सेस तो कंप्लीट होता है, एसक्यूएल एक्सेस और एक्सेस वीबीए दोनों इसमें आता है, लेकिन एसक्यूएल जो है सिर्फ क्यूरी लैंग्वेज होती है, पूरा एसक्यूएल सर्वर नहीं होता। मैं पहले डेट बता देता हूँ, तो ये हम आपको बता दें ताकि अब इसकी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब कि इंद्रदीप जी हमने इसको अपने कोर्स में एमआईएस में इसको हमने ऐड क्यों किया हुआ है। इसमें ऐड करने का पर्पस यही था कि कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सेल में लंदी तरीके से होते हैं या एक्सेल नहीं कर पाता है, वो काम एमएस एक्सेल या सीक्वल की मदद से इजीली हो जाता है। जैसे कि आप दो डेटा के ऊपर पिवट नहीं लगा सकते, अगर सीट वन और सीट टू दो सीट में आपके पास डेटा है तो उसमें आप पिवट इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके ठीक है, बट आप सिक्वल क्यूरी के जरिए आप करें तो यूनियन ऑल का कोड इस्तेमाल करके आप सिक्वल की मदद से एक्सेल में ही आप मल्टी सीट पिवट लगा सकते हैं या मल्टी फाइल पिवट लगा सकते हैं। तो इसमें हेल्प क्या करता है, सिक्वल क्यूरी हेल्प करता है, इसलिए हमने लेवल थ्री मतलब कि अदर्स जो है हमारा एक्सेस और सिक्वल का हमने ऐड किया। तो टोटली इसमें आप एक्सेल वीवीए एंड एक्सेस एक्सेस की वीवीए एंड सीक्वल आप सीखते हो। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए ड्यूरेशन मैंने एवरेज रख रखा है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ड्यूरेशन आपका जो है वो 65 आवर्स से 70 आवर्स मैंने रख रखा है, ये 90 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल। मंडे टू फ्राइडे हम आपको एक घंटे का क्लासेस देंगे। अब एक घंटे मैंने बोला था ऐसा नहीं कि हर दिन एक घंटा ही होगा, कुछ दिन ज्यादा भी सकता है, किस दिन कम भी सकता है, हमारा डिपेंड करता है टॉपिक कितना बड़ा है या टॉपिक कितना छोटा है, किस टॉपिक के बाद आपको ब्रेक की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि एक्सेल में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होता है। इसलिए जैसे कि आप बात करें कि हम जैसे पेस्ट स्पेशल ही करते हैं, तो बोलेगा पेस्ट स्पेशल है, सिंपल कॉपी पेस्ट है, लेकिन इसमें देखिए कितने जुड़ा हुआ है, कमेंट से जुड़ा हुआ है, वैलिडेशन से जुड़ा हुआ है, ये आपका नंबर फॉर्मेटिंग से जुड़ा हुआ है, ये सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो कई सारी चीजें हैं, तो ये सब कराने से पहले उसको करना पड़ेगा ना। तो इसलिए डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कि आपका टॉपिक क्या है। तो मंडे टू फ्राइडे आपको एक घंटे का क्लासेस मिलेगी, हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको क्लास के कुछ देर बाद या अगले दिन, अगर 90 क्लासेस है तो अगले दिन, अगर दिन में लेते हैं तो कुछ देर बाद आपको उसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ओके ठीक है, ठीक है, तो कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? नहीं, समझ में आ गया आपको क्या सीखोगे, कितने दिन में सीखोगे और इसका क्या जरूरत है? समझ में आ गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में एक्सेल का यूज क्या है। आप लोग एक कंपनी में एक्सेल यूज करते हो, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना हुआ कि एक्सेल किस किस तरीके से यूज किया जाता है, तो मैंने से कुछ पॉइंट्स एनालाइज किए हैं अपने एक्सपीरियंस एंड लोगों के कमेंट्स एंड मार्केट रिसर्च से। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं स्मॉल डेटा स्टोरेज, मिसलेनियस डेटा स्टोरेज भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिसलेनियस डेटा स्टोरेज। अच्छा अच्छा ओके, अब बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए हर कंपनी के पास अपना डेटाबेस होता है, फिर वो डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करें? कंपनी के पास सैस होता है, एसक्यूएल सर्वर होती है, ओरेकल होता है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि उनके पास ऑलरेडी है, तो फिर एक्सेल को एज ए डेटाबेस क्यों यूज करेंगे? हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस डेटाबेस। जैसे मान लीजिए आपको जो है, अगर मान लीजिए आप अपने टीम में है और आपको टीम का पेटी कैश, पेटी कैश मतलब कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, यू नो पेटी कैश क्या होता है? हाँ जी, छोटे मोटे खर्चे, सही कह रहे हो। हाँ, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जैसे कि फोटोशूट कराना,
कोई गेस्ट आ गया उसके चाय के खर्चे देना, या कहीं हम जा रहे हैं कोई स्टाफ को कहीं भेज रहे हैं तो कन्वेंस का खर्चा देना, बिल्कुल बिल्कुल तो इन खर्चों के लिए एक कैश आपको अलॉट होता है। जैसे आप 5,000 रुपये कंपनी आपको दे दी, आप खर्चा कीजिए, फिर 5,000 के हिसाब दीजिए, तो फिर आप वापस आपको 5,000 अलॉट करती है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका इसकी हिसाब रखने के लिए आपको क्या बोलोगे डेटाबेस इंजीनियर से कि भाई इसके लिए मेरे पास एक टेबल मॉड्यूल फॉर्म बना दो क्या? एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें टीम मेंबर्स का नाम लिखना है, या फिर बॉस ने बोला कि यार गिफ्ट बांटना है बताओ तुम्हारा टीम में कौन कौन है, या हमें इंसेंटिव लॉन्च करना है तो इंसेंटिव का बताओ किस किस को इंसेंटिव देना, क्या सेल है, तो इन सबों का डेटा आपको रखी पे रखना है, स्टोर रखना है, स्टोर करना है। तो एक टेम्पररी डेटा है, मिसलेनियस डेटा है। हेलो, हाँ विनोद जी मैं हेलो अच्छा सुन रहे ना अभी, क्योंकि मेरा मोबाइल में ये कर दिया, अभी मेरे मोबाइल में चल रहे अभी। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल, मतलब कि एक्सेल इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉल डेटा स्टोरेज इसलिए कहा गया क्योंकि आप स्मॉल या मिसलेनियस दो वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि छोटे मोटे डेटा जिसको हम डेटा बेस में नहीं डाल सकते क्योंकि वो टेम्पररी है, या कुछ ऐसा डेटा ही काफी चेंज होते रहता है उसका हेडिंग, कभी कुछ हेडिंग है कभी कुछ हेडिंग है, इसलिए हम उसको अपने डेटाबेस में नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए बात करते हैं कि अगर डेटा को हमें अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है, ऐसे बीआई टूल्स और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि करते हैं, लेकिन एक्सेल परफेक्ट है क्योंकि एक्सेल को हम किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं, क्योंकि बीआई टूल्स बाकी टूल्स में हमें एक लिमिटेड टूल्स दिया गया है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, अगर टूल्स नहीं दिए हैं तो हम इजीली उसको बना लेते हैं। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तीसरा रिपोर्टिंग या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ डेटा, कि डेटा को रिपोर्टिंग रिपोर्ट कर रिपोर्ट बनाना या रिपोर्ट देना या उसको रिप्रेजेंट। मान लीजिए कि आपको डेली से एक सेल्स का एनालिसिस दिखाना है, एक सेल्स की समरी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपके पास पीपीटी हम लोग बनाते हैं पीपीटी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेटा अगर डायनेमिक हुआ तो हम उसके लिए हम एक्सेल ही यूज करना चाहेंगे। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड, फाइनेंशियल डैशबोर्ड दिखा दो आप। फाइनेंशियल डैशबोर्ड देखता हूँ कि फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो चलो फिर भी मैं बना देता हूँ। ये रहा फाइनेंशियल डैशबोर्ड। ठीक है। अब क्या है कि इसमें अलग अलग की है, जैसे कि अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज, मुझे जो देखना है वो दिखना है सिर्फ ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, तो मैं ईयर के यहाँ से टैब हटा दूंगा तो पूरा रिपोर्ट जो है हमारा क्वार्टर के हिसाब से, और यहाँ पे ईयर एक साल का है हम साल चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हमें कस्टमर वाइज चाहिए तो हम यहाँ कस्टमर वाइज दे सकते हैं, कस्टमर में कौन सा कस्टमर, एक पर्टिकुलर कस्टमर चाहिए तो एक पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा है। दिखाए सर हमें बिटवीन टू ईयर्स, मुझे 2006 से 2008 की रिपोर्ट चाहिए, हमने सिलेक्ट कर लिया 2006, और उसमें एक्चुअली नहीं, हाँ एक्चुअली रिवेन्यू चाहिए, तो रिपोर्ट हमारा एक्चुअली रिवेन्यू के बारे में चेंज हो गया। ये चीजें पीपीटी में मुश्किल है करना, पॉसिबल नहीं है करना, तो इसलिए हमने एक्सेल में हमने कर लिया, समझे? तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन, ऐसी डायनेमिक रिपोर्ट्स आप एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके।
चौथा चौथा जो हम इसको बात कर सकते हैं वो है हमारा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग या रिपोर्ट शेयरिंग कुछ कर सकते हैं। शेयरिंग क्या हुआ कि अगर मैं किसी को एक रिपोर्ट भेज रहा हूं, मैंने उसको एक्सेल में भेज दिया, तो मुझे ये 90% से ज्यादा श्योरिटी है कि वो उस फाइल को ओपन कर लेगा, क्योंकि एक्सेल एवरीवेयर एवरी पीसी में अवेलेबल है। अगर एक्सेल में ही है तो ओपन व्यूअर है, उससे देख सकता है, नहीं ओपन व्यूअर तो गूगल सीट पे जाके नहीं देख सकता है, मतलब किसी न किसी तरीके से रिपोर्ट को देख सकता है। लेकिन मान लीजिए मैंने फॉक्सटेल में भेज दिया, मैंने इसमें टैबलू में आपको रिपोर्ट भेज दिया, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर फॉक्स प्रो या टैबलू या एसक्यूएल का नोट नोट सीट होगा या व्यूअर होगा तो आप देख पाओगे वरना नहीं देख पाओगे। एक्चुअली जो पीडीएफ में भेज दिया आपको मैंने, और पीडीएफ एक्रोबेट पीडीएफ हर पीसी में होता है, किसी पीसी में नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हर पीसी में हो। क्या सर? बिल्कुल सही। लेकिन एक्सेल हर पीसी में है। तो शेयरिंग कि अगर हमें हम रिपोर्ट चाहे जिस हम डेटा रिपोर्ट चाहे जिस सॉफ्टवेयर में बना ले, लेकिन हमें वापस एक्सेल पे आना है रिपोर्ट भेजने के लिए, रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। सही बात, सही बात। तो ये हमने चार जो है निकाले हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि परफेक्ट है, क्योंकि ये कोई प्रूफ रीड किया हुआ नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस और अपना एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप लोग खुद इस पे सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? तो इंडस्ट्री में जो एक्सेल का यूज होता है इसके लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सेल कि बेसिकली एक्सेल है क्या। इसको आप एक्सेल कुछ नहीं, एक रजिस्टर है। रजिस्टर जैसे आप आपके पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था तो जो हमारे लेजर्स होते थे वो रजिस्टर में होते थे, वही है, इसमें कॉलन होते थे और इसमें रो होते थे, वही एक है, बस थोड़ा सा डिजिटल और एडवांस है। हम इसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और इसमें हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी एड्रेसिंग सिस्टम को समझिए, एक्सेल की जो एड्रेसिंग सिस्टम है उसको समझ लीजिए आप। एक जैसे कि अगर मैंने यहां पे सेलेक्ट करके मान लो कि इसको क्लिक किया तो क्या है, एड्रेस क्या हुआ, A1 हुआ, जस्ट A1। लेकिन यही चीज अगर मैं सीट 4 पे गया और मैं यहां पे इक्वल A1 करूंगा, A1 करूंगा, तो ये सीट 3 का A1 नहीं लेगा। मतलब कि जस्ट A1 मतलब इट मींस ए कॉलम एंड वन रो कॉल करते हैं सेम सीट पे, तो उसी सीट का होता है। अगर किसी अनोदर सीट पे अगर हमने कॉल करना हुआ हमें, तो फिर हमें उस सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब कि यहां देखिए कि सीट 3 D10 और किसी और फाइल की बात करें तो किसी और फाइल में अगर जाते हैं तो उस पर्टिकुलर फाइल का कि उस फाइल एंड उसका सीट एंड उसका सेल सेल एड्रेस। मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं दिल्ली में हूं और आप भी दिल्ली में हैं तो हम आपसे पूछे कि यार कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे लक्ष्मी नगर में। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इंडिया कंट्री के अंदर दिल्ली सिटी के अंदर लक्ष्मी नगर एरिया में रहता हूँ, आप बोलोगे लक्ष्मी नगर रहता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए हम फोन पे बात कर रहे हैं, आप मुंबई से हैं और हम दिल्ली से, हम कहीं और से हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कहाँ रहते हैं, आप बोलिएगा मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई के अंदर मैं थाने में रहता हूँ, मुंबई के अंदर मैं घाट होटल में रहता हूँ या मीरा रोड में रहता हूँ। लेकिन मीरा रोड बोलोगे तो मैं कंफ्यूजन होगा, आप यार मीरा रोड कहाँ पड़ता है, मुंबई में मीरा रोड पड़ता है, तो आपको क्या सिटी बताना पड़ेगा। यही अगर मैं विदेश में कहीं मिलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं मीरा रोड के रहने वाला हूँ, आप बोलोगे कि मैं इंडिया के मुंबई के मीरा रोड के रहने वाला हूँ। तो सेम थिंग यहाँ होता है कि अगर सेम सीट पे एड्रेस कॉल करते हो तो जस्ट एड्रेस सेल एड्रेस दे दो A1 B1 C1
अगर सेम कार्य किसी और सीट में करते हो तो सीट के साथ दो, और किसी अनदर फाइल से कॉल करते हो तो आप यहाँ पे ये मतलब कि उसका फाइल नेम के साथ दो। अभी हो सकता है कि ये एड्रेसिंग सिस्टम आपको बड़ा सिंपल और ऐसा लगे यार ये तो मैं जानता हूँ सर क्या होता है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के बाद जब आप वीबीए प्रोग्रामिंग में जाओगे तो यही कंसेप्ट थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, कॉलिंग कंसेप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसी के बिहार पे हम आपको बताते हैं कि फॉर्मूला जो लगाते हैं उसमें एड्रेस का क्या रोल होता है। जैसे कि यहां पे हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, मान लीजिए ठीक है, अच्छा मुझे इस हर नंबर में 20 ऐड करना है तो मैं सेलेक्ट किया +20। अब मैं नीचे का ड्रैग करता हूं या कॉपी पेस्ट करता हूं तो देखिए यहां पे जो हम फॉर्मूला लगाया था होता A2+20, पर नीचे क्या हो गया A3+20, मतलब कि इंक्रीज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है एक्सेल में, क्योंकि जब अभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा सेल का एड्रेस फॉर्मूले में जब करते हैं तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। अगर ऐसा ना हो तो हर सेल में हमें मैनुअली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि एक टीडीएस जॉब हो जाएगी और मैं लगता हूं कि इससे एक्सेल की बहुत वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो एक बेनिफिट है कि जब आपने एक सेल पे अपना फॉर्मूला लगाओ, अपनी कैलकुलेशंस करो और उसको लेके पूरा डेटा में ड्रैग कर दो तो उस अलग अलग सेल पे अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग जो है बन जाएगा उसके सामने अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट करेंगे। तो आप अगर नीचे की तरफ मतलब रो ड्रैग करते हो तो रोज आपका इंक्रीज होता है, कॉलम ड्रैग करते हो तो आपका कॉलम इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप आगे पीछे दाएं बाएं ड्रैग करोगे तो इंक्रीज होगा और साथ में डिक्रीज भी होता है, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं डिक्रीज भी होता है। जैसे कि मैंने इस पे +20 कर दिया, मतलब कि हमने क्या हुआ है F10+20। अगर मैं ऊपर की ड्रैग ड्रैग करता हूं तो ये F10+F9 बन जाता है, मतलब कि डिक्रीज हो जाता है, और नीचे की तरफ जो इंक्रीज करूंगा ड्रैग करूंगा तो इंक्रीज होता है। उसी तरीके से कॉलन अगर मैं आगे की तरफ मतलब कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाऊंगा तो ये हमारा कॉलम इंक्रीज होगा, मतलब कि आपका जी से एच हो जाएगा, मतलब एफ से जी हो जाएगा। और यही मैं पीछे की तरफ ड्रैग करूं तो ये आपका डिक्रीज होगा, मतलब कि एफ से ई हो जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। कुछ पूछा ना सर? लेकिन मैं यहाँ C1 पे कोई नंबर लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सेल्स में +C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू तो यहां पर दिख रहा है, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो यहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो C1 था यहां ड्रैग होके C2 हो गया। अब यहां पे ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब C1 हम क्यों करेंगे, डायरेक्ट 52 क्यों नहीं करते? वो C1 करने का पर्पस यही था कि जब मैं इसको चेंज करूंगा 60 तो ऑटोमेटिक यहां पर चेंज हो जाए। अगर मैं मैनुअल यहाँ पे 60 करूंगा तो मुझे हर किसी को वापस चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए हमने इसको एक सेल से लिंक कर दिया कि एक सेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने आप को चेंज कर देगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे नीचे इसको हम ड्रैग कर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैग करने पे इंक्रीज होता है। तो आपने देखा होगा कि डॉलर का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो डॉलर का साइन क्या करता है, इसको फ्रीज कर देता है, मतलब कि एब्सोल्यूट कर देता है इसके रेफरेंस को, मतलब कि इसके एड्रेस को। तो हम रो के आगे हमने लगाया, अब नीचे हम ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ A2 A3 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया, लेकिन C1 फिक्स रहा। तो जब आपके ऐसी प्रॉब्लम हो कि जहां पे आपको एक सेल को फिक्स रखना है तो वहां पे आप डॉलर का साइन लगा सकते हो। बट डॉलर के साइन में दो चीज ध्यान रखिएगा, डॉलर का साइन हमने नंबर के आगे लगाया, मतलब हमने रो नंबर को फ्रीज किया हुआ। ये कब करते हैं, जब हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं फिर चेंज हो रहा है उस केस में। लेकिन अगर हम इसमें आगे ड्रैग करें और यहां पे देखता हूं कि देखिए यहां डी हो गया, मैं चाहता हूं डी ना हो, तो उस केस में हम कॉलम के आगे भी डॉलर लगा देते हैं।
इससे हम जब आगे ड्रैग करेंगे तो सी हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, तो जब एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। इंद्रदीप जी, विनोद जी, कोई डाउट इसमें? हाँ बोलिए सर। ठीक है, तो ये आपका एड्रेसिंग सिस्टम था, आर्किटेक्चर एड्रेसिंग सिस्टम था। अब दूसरा इसमें आता है कि हेल्प, कि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं ऑप्शंस के बारे में जानना हो तो कैसे जाने। इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में जानना, किसी भी ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कंडीशनल, हाँ मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपने उसको रट्टा मार दिया, आफ्टर सिक्स मंथ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भूल गए, थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो आप रिमाइंड हो सकते हो, आपका याद जो है जो जो याददाश्त है वो आपको दिमाग में आ जाएगा, आप जब समझ जाओ। होता है ना कभी कभी कुछ चीजें भूल जाते हैं, थोड़ी सी हिंट मिल जाती है तभी याद आ जाती है, तो उस चीजों के लिए हम कंडीशनल उस पर कर्सर रखते हैं, हमारे यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप्स आ जाता है, इसको पढ़ लीजिए, या फिर इसी के नीचे टेल मी मोर है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो टेल मी मोर क्या करेगा, एक्सेल की हेल्प पे उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सर्च करके देगा। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको पहले अगर सर्च करना हो तो पहले उसको आप एक्सेल पे सर्च कीजिएगा, एक्सेल की हेल्प पे सर्च कीजिएगा। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दे दिया ना, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो हम लोग गूगल पे चले जाते हैं। करेक्ट, लेकिन गूगल पे जो चीजें दी गई होती है वो 100% प्रूफ रीडिंग नहीं होता है, क्योंकि गूगल पे जो चीजें डालते हैं वो 100 से 800 लोग डालते हैं, लेकिन एक्सेल हेल्प के अंदर जो चीजें डली हुई है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डाला है, मतलब कि एक्सेल का यूजर मैनुअल है। इसलिए हम बच्चों को सलाह देते हैं कि जब भी आप इस्तेमाल करें, मतलब कि एक्सेल यूज करें, एक्सेल में प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा एक्सेल की हेल्प की मदद लें। जैसे कि हम शॉर्टकट की बात कर लें, कि अगर मुझे किसी ऑप्शन का शॉर्टकट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, दो तरीका है। पहला तरीका है कि उस ऑप्शन पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको यहीं पे उसका शॉर्टकट दिख जाएगा, जैसे कंट्रोल भी, लेकिन मुझे शॉर्टकट एक लिस्ट के रूप में चाहिए जिसको मैं याद करने के लिए रख सकूं, या अपने हेल्प डेस्क के सामने लगा सकूं, जो अपना डेस्क है वर्क स्टेशन है उसके सामने लगा सकूं। तो यहां देख रहा सर्च हेल्प, आप F1 प्रेस कर लीजिए, या फिर ऊपर जो यहाँ दिख रहा है ना टेल मी व्हाट यू डू वांट टू, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका हेल्प का सर्च आ जाएगा, F1 प्रेस करने से या फिर इस पे क्लिक करने से। यहां पे आप सर्च करें शॉर्टकट, शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, एक्सेल 2010, 13 और 16 का जो हेल्प है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन 2007 में आप ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो यही पे आपको एक्सेल कीबोर्ड, आपको यहां पे दिखा एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, क्लिक कीजिए और यहां पे आपके सारे शॉर्टकट्स आ जाते हैं, एक एक लिस्ट आ जाता है, ठीक है। आप इसको आप जैसे याद करना चाहते हो, या रट्टा मारने से याद तो नहीं होगा, प्रैक्टिस से याद होगा थोड़ा सा। इसी तरह से आप लिमिटेशन चाहते हो कि मुझे पता करना है किस चीज के क्या लिमिट है, मतलब कितने रो कितने कॉलम कितने शीट कितने सेल के बराबर कर सकते हैं, कितने पेज दे सकते हैं, पूरा एक कंप्लीट मुझे एक ये चाहिए, लिस्ट चाहिए इसकी लिमिटेशन की, तो इसी भी शॉर्टकट की जगह पे आप लिमिट्स को सर्च कर लें। तो लिमिट जैसे सर्च करेंगे और यही पे आपको स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। यही पे आपको ओपन वर्क बुक वर्कशीट की साइज, कॉलम का विड्थ, रो की हाइट, ये सारे लिमिटेशंस मिलेंगे। तो एक्सेल हेल्प का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने नॉलेज को और ज्यादा गेन करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो आज की इस डेमो क्लासेस में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।
ऐसे एक दो डेमो क्लास और भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको इसी से समझ में आ गया तो आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपलोड करके आपको मैं भेज दूंगा, जिसको आप हर एक चीज को दोबारा से देख सुन सकते हो, ठीक है? यस सर। तो ये क्लासेस बिल्कुल क्लासरूम ट्रेनिंग से बेटर है। मैंने खुद इसको हर एक चीज से डिजाइन किया है कि जब मैं खुद ट्रेनिंग लेने जाता था तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि रात के 9 बजे, 8 बजे और 10 बजे या 11 बजे आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग नहीं देगा, और अगर आप जाते भी हो तो आपको घंटे 2 घंटे का ट्रेवल टाइम लगेगा, वो आप ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बच जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस कोर्स जो आप कर रहे हो इसका करने से पहले, ये चीज मैं पहले बता दूं, इसमें प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भले एक एक दो क्लास आपकी छूट जाए वो चलेगा, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके सर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम, और आप लोग का जो कमेंट होगा वो बता दीजिएगा।